तो भाई एक और नई सुबह सुबह के बज रहे 9:30 सुबह से भाई रीमा ने मेरे को ऐसा दौड़ाया है ना ऊपर नीचे। पहले रात को तो ये आई है वहां से 2 बजे आई थी, ठीक है। मैं फिर इसको नीचे लेने गया, फिर बाद में सुबह 5:30 से फिर बुलाया था मैं इसको फिर छोड़ने गया। उसके बाद फिर 6:30 फिर ऊपर आई मैं, फिर इसको लेने गया था नीचे। लेने क्यों गया था, क्योंकि ना जो लिफ्ट है ना, जब लिफ्ट से ऊपर नीचे आते ना तो वहां पर कार्ड चाहिए होता है, जो रूम कार्ड होता है ना, तो वही रूम कार्ड लिफ्ट पे लगता है बार बार, तो उसको लगा के ना फिर हम फ्लोर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो उसके बिना आ नहीं सकते। तो बार उनको लेने में छोड़ने जाना पड़ता है इसको। मेरी भी नींद खराब करी इसने इतनी, तो अब जाके फाइनली उठ चुके हम, 9:30 हो गए पूरे, और चलते नीचे ब्रेकफास्ट करने। आज देखते क्या क्या होगा। कल तो कुछ खास हुआ नहीं था, कल इनका एक तो ग्रूमिंग सेशन हुआ था और जो इंट्रोडक्शन कल होनी थी ना वो फिर से कल कैंसिल हो गई थी। और फिर रात को क्या करा था उन्होंने, रात तक 2 बजे तक क्या किया उन्होंने? बोले चलो फिर अभी नहा के नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करके आते हैं पहले। तो भाई अभी थोड़ा निकले खाना खा के बाहर टहलने के लिए। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं जाऊँ कहाँ पे, किस साइड घूमू। ओ भाई डिफेंडर अमीरों के इलाके में आ गए हम, तो जाना भी कहाँ यार, यही थोड़ा बहुत घूम लेते आसपास, देखते हैं क्या है हमारे होटल के। मेरे को सैलून भी ढूंढना था यार, सैलून कहीं मिल नहीं रहा यार, पता नहीं कहाँ पे है। कल ये मॉल में भी गए थे, इधर भी नहीं कहीं दिखा। घूम के तो आ गए पर ना कुछ खास दिखा नहीं यहाँ पे घूमने को। और ये रोहिणी नहीं है मेरे ख्याल से ना, ये एरिया ऐसा है, हमें दिल्ली के तो सेंटर में जाना पड़ेगा अगर घूमने। यहाँ मेट्रो है पर वो देखेंगे फिर कभी चलेंगे, अभी तो टाइम नहीं है इतना वहाँ घूमने का। हाँ अब जो है रीमा का फोटो शूट स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए पैकिंग शुरू कर दिया। अभी ये जो छोटा वाला बैग देख रहे हो ना, ये हमने मेन उसी के लिए लिया था, कि ताकि हमें जो सारे कपड़े लेके जाने पड़ेंगे ना तो इसमें ले जाएंगे नीचे। और रीमा के कपड़े लेके जाने नीचे फोटो शूट के लिए। निकाल लिए कपड़े सारे? कितने कपड़े लेके जाने? तो जी शाम के बज चुके हैं अभी 6 और हम पूरे नहा धो के तैयार तो हो चुके थे, नीचे भी जाए थे। रीमा का अब तक वहाँ पे कुछ नहीं बना, मतलब आज ना क्या कहते हैं फोटो शूट है उसका, बस हमारा होटल में यही सब चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। तो ये रीमा ने अभी थोड़ी देर पहले स्टोरी डाली है, ये देखो वहाँ पे सबका ये मेकअप हो रहा है ऐसे, देखते कितना टाइम लगता है उसे। अभी वो आएगी वापस फिर से ऊपर, पता नहीं क्या वो ज्वेलरी कर लेना, फिर वो लेके फिर वापस नीचे आएगी। तो भाई रीमा का बुलावा आ गया, मेरे को नीचे जाना पड़ेगा सामान देने। एक तो मैं इसको बुला कर खुद आएगा ऊपर, ठीक है ना, मैं नौकर नहीं बैठा इसका। अब सामान देके नीचे फिर वापस ऊपर हूँ मैं भाई। और खैरी बाहर आकर मेरे को फोन कर दियो, अंदर मत आइयो, बताओ इज्जत ही नहीं है कोई यार। बस क्या देख रही बंद है। तो भाई ये जो देख रहे हो ये रहा हमारा फ्लोर, मतलब हमारा रूम इस बिल्डिंग में रुके हुए हैं हम। अबे जिम भी है पर यार यहाँ पे जाना अभी अलाउड नहीं है हमारे लिए, उसके लिए एक्सेस कार्ड दूसरा चाहिए। एक तो भाई यहाँ पे लिफ्ट के बड़े झंझट है, पहले एक लिफ्ट पकड़ो ठीक है, उसमें भी ग्राउंड फ्लोर आओ, उसके बाद फिर थर्ड फ्लोर पे जाओ, मतलब रूम्स पे जाने के लिए लिफ्ट अलग है, और जहाँ पे वो फंक्शन उनका जो भी हो रहा है ना वहाँ जाने के लिए लिफ्ट अलग है। मम्मी अभी अंधेरे में बैठे हैं उनके। क्या मम्मी इतना अंधेरा कर रखा है? भैया अब जाके अपने रूम से बाहर निकले, थोड़ी देर यहाँ आए थे इधर नीचे, और रीमा का भाई फोटो शूट चल ही रहा है उधर, शूट शूट करने दे नहीं रहे अंदर, वो ना अंदर जाने दे रहे हैं, उन्होंने गेट बंद कर रखा है। बस अभी डिनर करके चल जाएंगे वापस रूम में। बाकी यहाँ पे मिस्टर टीन नहीं, मिस्टर का पता नहीं कुछ हो रहा है। तो भाई दीपक को बताने टाइम लगेगा, मैंने खाना वाना खा रही है यहाँ पे, अब हम खा रहे केक, मैं पी रहे सूप, फिर चलते ऊपर
वापस रूम में। भैया भी खाने को इतना कुछ होता है ना, मतलब पेट भर के जितना मर्जी खाओ और जो मर्जी खाओ। मम्मी फिर खाने लग गए यहाँ पे। हाँ तो भाई आधी रात को निकले बाहर सैर करने। सुबह मैं जब गया था ना, मैंने ना एक चाय वाला देखा था, देखता कि वो चाय वाला है कि नहीं, अगर होगा तो चाय भी आएंगे। ठीक है, टाइम तो 10:30 हो गया, वो चाहिए होगा फिर तो ना। क्या 11 बज गए? वो 11 बजे अब थोड़ी को बैठा होगा ना, अंदर होते हैं ना दोनों, पता टाइम को पता नहीं लगता कि कितना टाइम हो रहा है। 11 बज गए भाई, अगर आप रात के 2 बजे भी घूमोगे ना होटल अंदर, आपको ऐसा लगे जैसे सुबह ही घूम रहे हैं, दिन में ही घूम रहे हैं अंदर बाहर। रात के 2-3 बजे भी लोग ऐसे आराम से होटल के अंदर घूम रहे, कोई टेंशन की बात नहीं होती। और अभी हम अंदर गए थे ना, तो अंदर भी क्या गए थे बाहर से देखा था, तो वहाँ पे ना अभी वॉक की प्रैक्टिस करा रहे हैं। कि वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ ना 3 ड्रेसेस होती है, एक अपनी और 2 ड्रेसेस उनकी होती है, तो फिर 3 बार फोटोशूट होता है, मतलब 3 ड्रेसेस के साथ फोटोशूट होता है अलग अलग। अरे भाई पूरी किस्मत है ही नहीं चाय वाला यहाँ पे, ये था यहाँ पे चाय लगा रखी थी इसने शाम को। ओ भाई ये क्या मोमोज, हाफ 20 रुपए, फुल 30 रुपए। वाह यार मोमोज देखो कितनी सस्ते मिल रहे हैं यहाँ पे। रूम स्वीट रूम, हाँ मजा आ गया बाहर घूम के। अब बस रेस्ट करेंगे, रीमा जी के अपने आप जब आना होगा उसने। मैं जा रहा लेने, खुद आ जाएगी, और भी तो लोग आते हैं नीचे से इतने। भाई अभी जब छुट्टी होगी, छुट्टी भी क्या मतलब, जब सारे फ्री होते हैं ना भाई पूरी भीड़ लगा रहते हैं, क्योंकि सब नींद में आए होते हैं भाई, नींद लगी होती है सबको, इतनी भीड़ लग जाती है ना नीचे। फिर गाइस इन 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 सब ने नींद पूरी कर ली। अभी कौन कर रहा वो? नहीं यहाँ पे हुए गाइस, अभी मैं आई हूँ। कितने टाइम हुआ? 2:30 बज गए ना, तो अभी सुबह 5:30 उठना है, और 5:30 से 7:30 चलेगा एक सेशन। उन्होंने कहा कि कल ब्रेक देंगे हमको 3 घंटे की। अच्छा तो गाइस बाय, सो जो, सोने दो, नाइट गुड नाइट।